सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विश्व जननी के अनेक रूप में से एक रूप बेटी है, सदा उनका सम्मान करो क्योंकि वह है तो ही तुम हो। सही अमृत है, बेटी है तो कल है। जरूरी नहीं भगवान का नाम बुढ़ापे में ही लिया जाए, क्या पता जीवन में बुढ़ापा ही ना हो। मनुष्य आयु बढ़ने से वृद्ध नहीं होता, बल्कि जब उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो वह वृद्ध हो जाता है। आज का पंचांग 8 जुलाई 2021 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 5:16 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 8:59 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 7:41 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मिथुन राशि पर ही रहेंगे। वृषभ राशि 8 जुलाई 2021 दिन गुरुवार, आप आज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर लें और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें, यह समय जल्दी ही बीत जाएगा। परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह अथवा सगाई संबंधित कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे। जीवन में आपने कई सारी बातों का इंतजार किया है जिसके कारण आपका संयम खो रहा है, साथ में खुद के प्रति नकारात्मकता भी महसूस हो रही है। आपको अपने अंदर विश्वास जगाकर जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं उतने सभी करने की आवश्यकता होगी। फिलहाल केवल मेहनत के द्वारा ही आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं। व्यापारी वर्ग के काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपेक्षा के अनुसार आर्थिक आवक नहीं होंगी। अगले 3 महीनों के लिए पैसों से संबंधित बातों के बारे में सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। लव मैरिज के लिए परिवार से सहमति मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन परिवार के लोग मान जाएंगे। सावधानियां, परिवार से संबंधित किसी कार्य में अत्यधिक फिजूल खर्ची रहेगी, परंतु सभी आय की स्थिति मध्य रहने की वजह से बजट का ध्यान जरूर रखें। भाइयों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे। घर की किसी परेशानी को लेकर कुछ तनावपूर्ण वातावरण भी। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे। घर की किसी परेशानी को लेकर कुछ तनावपूर्ण वातावरण भी रह सकता है। एक शुष्क पतझड़ के बाद आपके जीवन में प्यार के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। कुछ समय से आपका प्रेमी आपकी अनदेखी कर रहा था, लेकिन अब वह अपने प्रयासों को दुगना करेगा ताकि इस अनदेखी की भरपाई हो सके। प्यार में आक्रामक ना हो बल्कि उन पलों को याद करे जो कि आपके लिए इतने महत्वपूर्ण थे। आपको अतीत की शिकायतों और पछतावों को पीछे छोड़ना होगा। बात करते हैं करियर की। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपकी विशिष्ट गुण हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से आपका मोह भंग हो सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुक सा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है। आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पद के साथ आप रहें। चमकती हुई परिस्थितियों में निवेश ना करें या ज्यादा उत्साह में ना आएं, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है।
व्यवसायिक गतिविधियों में अभी वर्तमान परिस्थितियों की वजह से भी ज्यादा सुधार आने की संभावना नहीं है। बात करती हैं सेहत की, यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली बात हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर ना डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।